तो दोस्तों उल्लू लाइट लेके आ गया हूँ मैं, इसको कनेक्शन करके करना बताऊंगा मैं आपको, एकदम सबसे इजी तरीका है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो ये उल्लू भाई लाइट देख सकते हैं, इसमें एक ही लाइट है, बाकी आप दो भी लगाना है तो दो भी, दोनों का कनेक्शन सेम होगा, प्लस वाला प्लस में डाल देना, माइनस वाला माइनस में, जो काला वाला तार है वो माइनस का है, जो लाल वाला है वो प्लस में है। बाकी ये देख सकते हैं ये पूरा मेटल का दोस्तों, ओरिजिनल वाला ये है मेरे पास, ये कुछ कितने रुपए का पड़ा मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, कमेंट में पूछेगा कमेंट में बता दूंगा। तो मैं पहले आपको इसको चला के दिखाऊंगा, उसके बाद इसका कनेक्शन बताऊंगा बाइक में इसको लगाना कैसे है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए इसकी रोशनी कुछ ऐसी है दोस्तों, एक येलो है और एक ये है आपका ब्लिंकर है और एक आपका वाइट है, जो आपको जोन से चलाना है वो चला सकते हो। इसको मैं आपको स्विच के साथ लगा के दिखाऊंगा, और एक एल वाली पत्ती चाहिए होगी आपको, डिक्की वाली, उसके साथ इसको लगाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं वो एल वाली पत्ती दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें एक ही लाइट लगाएंगे हम इसमें, इसलिए। तो देख सकते हैं आप इसकी रोशनी, ये देखिए रोशनी इसकी, दिन में इतनी रोशनी तो पता नहीं रात को क्या होगी दोस्तों। तो चलिए मैं इसको रात को और दिन की दोनों आपको दिखाऊंगा, तो पहले मैं इसको आपको टेस्टिंग करा दूं, उसके बाद इसको लगा के दिखाऊंगा। सबसे जो इजी कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा आपको, आप यूट्यूब पे कई वीडियो देख लीजिएगा, इजी तरीका कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं जैसा तरीका बताऊंगा एकदम इजी वाला वो बताऊंगा। तो एक स्विच है और एक एल वाली पत्ती है, तो ये रिम है दोस्तों, इसमें लगाएंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा, ये वाला 19 नंबर है ये, इसको खोल लेंगे हम, इस नट को खोल के और इसमें लगाएंगे हम पत्ती को। तो चलिए ये खोल लेता हूँ मैं, जैसे दोस्तों मेरा खुल रहा है ये, इसके बाद एल वाली पत्ती लगाएंगे यहाँ पे हम ऐसे, ताकि ये ऊपर की तरफ रहे, ये ऐसे इसको हम टाइट कर देंगे फुल। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि ये गैप रहेगा, लेकिन गैप नहीं रहेगा, जितना फुल टाइट करोगे उतना इसका एल टेढ़ा होता रहेगा, और इसको फिर आप बाद में आप इसको सीधा भी कर सकते हो। बाकी एक्सल को पूरा फुली टाइट रखना दोस्तों, नहीं तो चलते चलते दिक्कत हो सकती है आपको। बाकी मैं इसको फुल टाइट कर लेता हूँ एक बार, और फिर मैं आपको कनेक्शन करना बताऊँगा। तो ये एल वाली पत्ती दोस्तों, अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे हम, जितना आपको रखना है उतना कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा लूज करके मैं इसको आगे कर लेता हूँ, ताकि अच्छे से पूरा रोशनी आगे तक रहे, ठीक है। तो इसको लूज करके थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो जैसे मैंने ये कर लिया है, अब इसमें कनेक्शन करेंगे। कैसे कनेक्शन करेंगे, उसके लिए बाइजर खोलना पड़ेगा आपको, बाइजर खोल के कनेक्शन कहाँ करना है वो बताऊँगा। तो चलिए अब पहले लाइट को लगा लेते हैं हम, इस लाइट को, तो जो हमारे नट बोल्ट आए हैं इसके साथ में, उसको हम पहले इसमें जोड़ेंगे, उसके बाद उल्लू भाई लाइट हम इसमें लगाएंगे। तो ये वाली पत्ती को हम यहाँ रखेंगे, और जो 12 mm का है उसको हम इसमें डाल के नीचे से हम इसका बोल्ट लगा देंगे, नट बोल्ट दोनों को कस देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पेच वाले नट है, नट है, उनको हम लगाएंगे उल्लू के साथ, इसको लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, और जो हमारे पेच वाले इसको हम डाल देंगे इसमें। दोस्तों इसमें पेच पहले से बना हुआ होता है उल्लू वाली में, तो हमें बस कुछ नहीं करना, सिर्फ पेच लगाना है, ठीक है। तो ऐसे पेच लगा के और इसको हम लगाएंगे ऐसे। तो दोस्तों आपको जितना रखना है उतना आप इसको रख के उसके बाद टाइट कीजिएगा। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ, उसके बाद करता हूँ मैं। देखिए हमने इसको सीधा रखा है बिल्कुल, जितना आपको जितना जहाँ पे एडजस्ट हो उतना कर लेना, ऊपर रखना है ऊपर कर लेना, नीचे करना है नीचे कर लेना, लेकिन ज़्यादातर नीचे ही रखना दोस्तों, थोड़ा सा कि ऊपर रखोगे तो जब ब्लिंकर चलाओगे आप तो आँखों में लगेगी लोगों की, और आपको गालियाँ पड़ेगी, तो गालियाँ ना पड़े इसलिए आप इसको थोड़ा नीचे ही रखना पहिए के साथ साथ में। तो बाकी ये मैंने फुल टाइट कर दूँगा बाद में, तो उससे पहले मैं आपको कनेक्शन करने बताऊं। तो दोस्तों ये दो तार देख सकते हैं, जो हमारा काला वाला है वो जाएगा हमारा अर्थिंग में। अगर आप दो लाइट लगा रहे हो तो दोनों काले को तार को एक दूसरे के साथ जोड़ के उसको डाल दीजिए किसी भी लोहे में टच कर दिया अपने बाइक में। तो मैं इसको कर देता हूँ छील के थोड़ा सा, ये देखिए दोनों को छील के, मैं ये दोनों को छील लिया। अब जो काला वाला तार है इसको हम डालेंगे अर्थिंग में। मैं एक ही लाइट लगा रहा हूँ दोस्तों, आप एक ही के साथ कर सकते हो, बाकी आप दोनों का सेम है, जो लाल वाला है जो दोनों का जो उल्लू वाली लाइट होगी दोनों को लाल के लाल में जोड़ देना, काले को काले में जोड़ देना। तो मैं सिंगल ही बता रहा हूँ अभी आपको फिलहाल। तो यहाँ से मैं इसको तार को ले रहा हूँ, यहाँ से हम लेंगे ऊपर तक, ठीक है। तो काले वाले तार को हम यहाँ से लेके इसमें जोड़ देंगे, अर्थिंग देंगे यहाँ पर। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, इसको मैंने खोल लिया है, अब इसको डाल देंगे यहाँ पर अर्थिंग में। अर्थिंग में डालने के बाद जो हमारा लाल वाला तार बचेगा उसको डालेंगे हम इग्निशन में। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा छील के इसको मैं पहले लगा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा लाल वाले तार के साथ क्या करना है। तो इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से डालिए, ऐसे डालिए क्योंकि ये निकले ना वापस, यहाँ पर अच्छे से टाइट कर दीजिए। उसके बाद इसको हम लाल वाले तार को हम लगाएंगे, तो मैं इसको लगा लेता हूँ पहले। ये जैसे मैंने इसको टाइट कर दिया, अब जो हमारा लाल वाला तार बचा दोस्तों, इन सबको तार को यहाँ पे हम टेप लगा देंगे, उसके बाद हम इसको कस्टमर को सौंपेंगे, ठीक है।
तो पहले मैं इसको छील लेता हूँ, थोड़ा 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 छील के। अब लाल वाले को तार के, मैंने एक तार का टुकड़ा लिया दोस्तों, ताकि वहाँ तक इग्निशन तक पहुँच जाए हमारा तार। बाकी अब थोड़ा सा तार जोड़ के इसको टेप लगा के अच्छे से इसको अंदर अंदर से इसको ले जाइएगा, उसके बाद इसको कनेक्शन कीजिएगा। तो मैंने दूसरा तार इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि हमारा तार काफ़ी छोटा था, इसलिए मैंने दूसरा तार जोड़ा है। ये तार जोड़ के अब इसको ले जाएंगे हम यहाँ से, ये यहाँ से ले जाएंगे बाइजर में। तो बाइजर पहले हम खोल लेते दोस्तों, यहाँ से इसमें पूरा टेप लगा देंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए येलो टेप लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास येलो टेप है। मैंने आसपास दुकानों से पूछा तो उनके पास काला टेप था नहीं। काला टेप मैं बाद में लगा दूंगा, बाकी आप इसमें कोई सा भी टेप लगा सकते हो। अगर अच्छा लगाना है तो आप काला ही टेप लगाइएगा, क्योंकि काला तार है, काला टेप अच्छा लगेगा। तो दूसरा तार हमारा यहाँ पर आ गया, इसको हम डालेंगे बाइजर में। बाइजर पहले खोल लेते हैं, एक तरह एक इधर होगा एक उधर होगा, जैसे ये दोनों मैंने खोल लिया है। अब इसको लगाएंगे हम, इसको खोल के ऐसे इसको निकाल दिया। अब इसको हम ये वाले भी खोल लेते हैं एक मिनट, ताकि हमारा कनेक्शन अच्छे से हो जाए। ये वाले 10 नंबर खोल लेंगे हम, बाकी हेडलाइट के 12 नंबर भी खोल सकते हो। बाकी मैं इसका 10 नंबर खोल के इसको लगाऊंगा, ताकि थोड़ा कनेक्शन ईजी हो और आपको समझ में आए अच्छे से। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर मेरे वीडियो से तो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिले, थोड़ा सा भी समझ में आए, थोड़ा सा भी आपको काम बने, तो रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर वो भी उल्लू लाइट लगवाना चाहते हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा वैसा। आपके सपोर्ट से दोस्तों उम्मीद मिलती है हमें, इसलिए उम्मीद बनाए रखें। बाकी कनेक्शन देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये इनको निकाल लिया हमने। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपको काला तार ढूंढना है, हमारा जो काला तार होता है ना गाड़ी के साथ में, उसमें ढूंढना है। बाकी आप इसमें इग्निशन में भी डाल सकते हो, जो हमारा लाल में काला तार है उसमें भी डाल सकते हो, उसमें भी हमारा माइनस का बैटरी से करंट आता है। तो हम काले वाले तार में जोड़ेंगे, इसमें भी करंट आता है, और जो हमारे इग्निशन के काले में तार में है उसमें भी करंट आता है। तो दोस्तों जो काला तार है ना उसमें आपको डालना है, ठीक है। तार को अच्छे से अंदर से डाल के, इधर से नीचे से नहीं आएगा तो ऊपर से डाल दीजिएगा, जैसे ये नीचे से आ नहीं रहा अभी, मैं इसको ऊपर से डालूंगा ऐसे। ये डाल दिया मैंने ऊपर से। अब जो हमारा काला तार है दोस्तों गाड़ी के साथ में, अलग से इसमें बहुत सारा तार दिख रहा होगा काला, लेकिन उनमें डालना। जो हमारे गाड़ी के साथ में सॉकेट है, जो पिन निकला होता है उसमें डालना आपको काले तार में, ठीक है। तो इसको थोड़ा छील के हम इसके काले तार में डाल देंगे। जो हमारा सेल्फ का स्विच है दोस्तों, उसमें से भी काला तार आ रहा होगा, उसी भी काले तार में आप जोड़ सकते हैं। जो सेल्फ स्विच है हमारा, उसमें एक काला तार आ रहा होगा, उसी में आप जोड़ के काले तार के साथ उसको अटैच कर दीजिए और उसको लगा दीजिए। जो ये स्विच मैं लगा रहा हूँ, इसी स्विच के साथ इसका कनेक्शन रहेगा। तो पहले मैं एक बार स्विच को लगा दूँ। स्विच के साथ भी कनेक्शन कैसे करना है ये देख लीजिए आप यहाँ पर। तो इसको मैंने लगा दिया यहाँ पर, इसको ऐसे टाइट कर दीजिए दोस्तों, इधर उधर ना हिले और काम भी अच्छा करे। ये जेनुइन स्विच है दोस्तों मिंडा का। ये देखिए ऑन ऑफ हो रहा है, अब इसका तो काम बन गया। अब इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसको अंदर पहले डाल लेते हैं हम अच्छे से। अब दोस्तों जो हमारा तार निकला है ना, जो हमारे प्लस का तार निकला हमारा उल्लू लाइट से, उसमें एक तार जोड़ देना हमें, कोई सा भी एक तार जोड़ दीजिए। जो हमारा हरा और काला तार है स्विच का, इनमें कोई सा भी एक तार जोड़ दीजिए, किसी में भी। ऐसा नहीं है कि प्लस का माइनस का फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, आप किसी भी तार में जोड़ सकते हैं। दोनों को टेप लगा दीजिए। क्या करा मैंने, जो हमारा उल्लू का प्लस वाला तार था, लाल वाला तार था, उसमें मैंने स्विच का एक तार जोड़ दिया, ठीक है। और जो दूसरा तार बचा हमारा स्विच का, वो जाएगा हमारे काले तार में, जो मैं काला तार कह रहा हूँ स्विच का, सेल्फ स्विच का, उसका जो काला तार निकल रहा है उसके साथ उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे इसको हम निकाल देते पहले, काफ़ी टाइट है, ये देख सकते दोस्तों यहाँ पर ये काले तार में इसको मैंने जोड़ दिया। बस आपको चेक करा रहा हूँ, बाकी उसको मैं डाल दूँगा। जैसे चाबी ऑन किया हमने, ये देखिए लाइट इसका चल गया, ये देखिए। जितनी बार स्विच को ऑन ऑफ कर गए उतनी बार इसका कलर बदलेगा, कलर तो नहीं मतलब ब्लिंक होगा, ये देखिए ऐसे। तो ऐसे दोस्तों इसका कनेक्शन होता है। बाकी आपको वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज मिले तो रिक्वेस्ट रहेगा आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने इसको जोड़ दिया है। अब इसको ऑन ऑफ करेंगे, जितनी बार उतनी बार इसका कलर बदलेगा। जैसे ये वाइट हो गया, ये येलो हो गया, येलो प्लस वाइट हो गया, और ये हो गया हमारा ब्लिंकर।
तो ऐसा होता है दोस्तों। सो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।